हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज द थर्ड पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर वन, लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट होता है, नॉट फ्रॉम हार्ट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वे कहते हैं कि लर्न बाय हार्ट। ओके, इस तरह का कोई सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन आपने इस तरह का कोई भी सेंटेंस नहीं बनाना है। ओके, शी हैज़ लर्न द लेसन बाय हार्ट, शी हैज़ लर्न द लेसन फ्रॉम हार्ट। देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में से फर्स्ट सेंटेंस जो है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पर लर्न बाय हार्ट लिखा गया है। ठीक है, लर्न बाय हार्ट का मीनिंग होता है कि बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को याद कर लेना। नंबर टू देखते हैं, हैव वंस हेयर कट। हैव वंस हेयर कट होता है, ओके, इसकी जगह अगर आप कुछ और लिखते हो तो वो रॉन्ग हो जाता है, जैसे कि नॉट कट वंस हेयर। ओके, देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे गए हैं, आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट, आई एम गोइंग टू कट माय हेयर। इन दोनों में से फर्स्ट सेंटेंस जो है वो राइट है। ओके, आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये तो हम डेली यूज़ करते ही रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से करेक्ट इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। तब देखते हैं नंबर थ्री, पुट ऑन वेट। पुट ऑन वेट होता है, नॉट पुट वेट। ओके, पुट के बाद आपने ऑन लगाना होता है ज़रूर। आई हैव पुट एट लीस्ट 3 किलोस इज़ रॉन्ग, आई हैव पुट ऑन एट लीस्ट 3 किलोस इज़ राइट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरा वेट 3 किलोस बढ़ गया है। ओके, जब आप वेट पुट ऑन करते हो तो इसका मीनिंग होता है कि आपका वेट बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया है, अच्छी तरह से समझते रहिए। तब देखते हैं नंबर फोर, दिस मॉर्निंग होता है, नॉट टुडे मॉर्निंग। ओके, दिस मॉर्निंग, यू हैव टू यूज़ दिस मॉर्निंग इन अ सेंटेंस, नॉट टुडे मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से इसे समझना है आपने। आई हैवन सीन हिम टुडे मॉर्निंग इज़ राइट और रॉन्ग, नो दिस इज़ रॉन्ग। आई हैवन सीन हिम दिस मॉर्निंग इज़ राइट। ओके, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में टुडे लिखा गया है इसीलिए वो रॉन्ग है, और सेकेंड सेंटेंस में दिस लिखा गया है इसीलिए वो राइट है। ओके, आपने ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नंबर फाइव है क्वाइटली। क्वाइटली, नॉट स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली इस तरह के कोई भी वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने सेंटेंस में। ओके, देखिए अभी मैं आपको दो सेंटेंसेस दिखा रही हूँ जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। द बॉय केम इन स्लोली स्लोली, द बॉय केम इन क्वाइटली। तो इन दोनों सेंटेंसेस में से सेकेंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ओके, देखिए स्लोली स्लोली वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, और सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, द बॉय केम इन क्वाइटली। इसका मीनिंग है कि बॉय चुपचाप से अंदर आ गया था। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। क्वाइटली का मीनिंग होता है बिना कोई आवाज़ किए या चुपचाप से। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं नंबर सिक्स। नंबर सिक्स है, अ वॉच इज़ स्लो और फास्ट। A watch is slow or fast, not goes behind or in front. Okay, जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाएं, जब आप बताना चाहते हो कि आपकी वॉच आगे है या पीछे है, देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे गए हैं, माई वॉच गोज 2 मिनट्स बिहाइंड, माई वॉच इज 2 मिनट्स स्लो। तो इन दोनों सेंटेंसेस में से सेकेंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। इस तरह से आपने बनाना है कोई भी सेंटेंस जब आप वॉच से रिलेटेड बना रहे हो कि आपकी वॉच जो है वो आगे है या पीछे है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।